लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम ब्लेसिंग्स आपके कामों के ऊपर डिपेंड है, आपके खाने पीने के ऊपर डिपेंड है, आपके परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ डिपेंड है, आपकी पवित्रताई के ऊपर डिपेंड है। आप जितना प्रभु में जियोगे, जितना प्रभु के लिए करोगे, जितनी सेवा में आओगे, उतना ज्यादा जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य हमें लॉन्ग टाइम जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। कई लोग कच्ची उम्र में मर जाते हैं, कारण दो ही हो सकते हैं, कच्ची उम्र में मरना, जवानी में मरना, 40 साल में मरना, 45 साल में मरना, दो ही कारण हो सकते हैं। जहां एक कारण पाप है, दूसरा कारण अगर एक अच्छा योद्धा है प्रभु में, एक अच्छा बिलीवर है प्रभु में, विश्वासी है, तो प्रभु को उसकी जरूरत थी, इसलिए वो स्वर्गों को बुला लिया गया। उसके मर्जी के पीछे जा तो प्रभु की मर्जी है। आमीन। जब भले व्यक्ति मरते हैं, जब एक आराधक मरता है, एक पास्टर मरता है, एक सच्चा सेवादार मरता है, ये बात हमेशा याद रखना, यहोवा को उसकी जरूरत थी, इसलिए उसने उसको बुला लिया। जब एक जवान मरता है, प्रभु के जान नॉलेज ना होने के कारण मरता है, तो वो पाप की वजह से मरता है, वो व्यभिचार की वजह से मरता है, वो नशे की वजह से मरता है, वो गुंडागर्दी की वजह से मरता है, उसमें प्रभु की कोई मर्जी नहीं। यही दो कारण है। इंसान का जल्दी क्या कर जाना, समय से पहले तो तब हम ध्यान नहीं देते हैं, तब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कि ये पाप की ओर बढ़ रहा है, ये नशे की ओर बढ़ रहा है, ये लड़कियों के चक्कर में बढ़ रहा है। ये नहीं कि वो जानते नहीं है, सब जानते हैं। बच्चों को डांट सकते हैं, नहीं उसके साथ नहीं घूमना, उसका चाल चलन मुझे सही नहीं लगना, लेकिन फिर भी माँ तैयार करके उसके साथ भेजती है, फिर भी उसके साथ जाने के लिए इजाजत देती है। ये जानते हुए कि वो नशा करता है, ये जानते हुए कि लड़कियों के चक्कर लगाता है, ये जानते हुए भी कि वो गुंडागर्दी करता है, फिर भी उसे जाने देते हैं। आज इस वजह से फंसी हुई है जनरेशन, इस वजह से फंसे हुए हैं यूथ पूरा। अपने बच्चों की ओर ध्यान देना, अपनी लड़कियों के और लड़कों की ओर ध्यान देना, और यहोवा परमेश्वर के घर में उनको लेकर आना, उसे अकेला मत छोड़ना, उसे प्रभु की हुजूरी में लेकर आना, वचन सुनाना, प्रेयर में बिठाना। खुदावन सब कुछ उसकी लाइफ में जो वो चाहता है, जो उसके सपने हैं, वो पूरे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में।